खबर है नसीम शाह के वर्ल्ड कप से बाहर होने का खदशा। नसीम शाह की मेडिकल रिपोर्ट में संजीदा इंजरी का इंकशाफ हुआ है। भारत के खिलाफ मैच के दौरान नसीम शाह दाएं कंधे की इंजरी का शिकार हुए थे। अपडेट करें आपको इस बारे में, आपको बताते चलें कि नसीम शाह के वर्ल्ड कप से बाहर होने का खदशा। नसीम शाह की मेडिकल रिपोर्ट्स में संजीदा इंजरी का इंकशाफ हुआ है। भारत के खिलाफ मैच के दौरान नसीम शाह दाएं कंधे की इंजरी का शिकार हुए थे। इसी पर बात करते हैं, अपने नुमाइंदे यूसुफ अंजुम हमारे साथ हैं। जी यूसुफ। जी, नसीम शाह कोलंबो से वापसी के बाद दुबई में रुके थे, जहां उनका मेडिकल चेकअप हुआ था, जिसकी रिपोर्ट अभी हौसला अफजा नहीं है। और खदशा यह जाहिर किया जा रहा है कि ना सिर्फ वो वर्ल्ड कप बल्कि लंबे अरसे के लिए कौमी टीम से बाहर हो सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तशवीश का इजहार करते हुए दूसरी एक ओपिनियन लेने का फैसला किया, जिसके बाद उनकी टीम में शमूलियत के हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी फैंस के लिए और पूरी दुनिया जो नसीम शाह के मद्दा है, उनके लिए बुरी खबर यह कि नसीम शाह इस वक्त मुकम्मल फिट नहीं है। वो एशिया कप से बाहर होने के साथ साथ अब वर्ल्ड कप से भी बाहर होने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान टीम का ऐलान आइंदा 3 से 4 रोज में वर्ल्ड कप के लिए होना, जिसके में नसीम शाह की शमूलियत का इम्कान ना होने के बराबर है। उनकी अदम मौजूदगी में पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन है, जमान खान और मोहम्मद हुसैन। अब यह सिलेक्शन कमेटी पर मुनसर है किसको इस वर्ल्ड कप के लिए सूटेबल समझती है। वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर से होगा, जिसके लिए पाकिस्तान की टीम की इंडिया रवानगी 28 सितंबर को तय है। जी यूसुफ अंजुम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।